तो दोस्तों भूख लग गई है मुझे, तो आप मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया है। क्या है ये खाऊंगा मैं, चिड़िया ऐसा खाना। अरे और भी कुछ खोलो ना, देखो ना क्या है। फ्री वाला आइटम में क्या है? सैंडविच सर, ये फ्री में आए हैं। दिख रहा है कैसी ब्रेड है, क्या मंगाया मामू ने पता नहीं। लहसुन के छिक्कल भी इसी के ऊपर पड़े हुए हैं। लोग सफाई सिन देते हैं, कोई लहसुन के छिक्कल, धनिया भी साबुत है पीस किन दे पाए। पीली ब्रेड दे रखी है मीठी वाली, बहुत ही गंदा है ये। फर्स्ट मेरा पेट भर गया, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। सैटरडे 1 बज गया है, मैं जा रहा हूँ मार्केट, कुछ लेके आता हूँ खाने के लिए, बनाने के लिए मतलब, मिक्स चिकन राइस बनाऊँगा। चलो चलते हैं। ये मेरे पीछे पीछे भागे भागे आ गया भाई, भागे भागे कितने दूर से मेरी खुशबू सुनते सुनते आया ये। नाक भी तो बंद देता है भाई मेरे को ठंडी ठंडी। जैसे दिवाली पे सस्ती है ना मार्केट, वैसे सस्ती शुरू हो गई है यार सारी चीज़ें। मज़ा आ गया। मिक्स आटा ले लिया मैंने और मटेरियल ले लिया, चलते हैं देखो मंदिर के सजे वो सारी केसरिया के। आज आइए, धूप मस्त ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है हवा धूप में। ऐसा लग रहा है कि जान आ गई। भैजी तो आएंगे नहीं क्योंकि भैजी तो खाते नहीं है अभी, सब छोड़ दिया भैजी ने नॉनवेज वगैरह कुछ टाइम के लिए। तो आज भैजी का वर्क फ्रॉम होम है। तुम आ गया किचन में, मामू ने सब्जी कटिंग करती हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या क्या। चावल भिगा दिए हैं, इसको सब्जी पक जाए, खिले खिले चावल। मिक्स वेजीज मैंने बीन्स गाजर ब्रोकली के टुकड़े और मैंने डाल दिए। आलू मैरिनेशन शुरू कर दी है मैंने, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और जस्ट मटन मसाला, दैट्स इट। उसको थोड़ा छोड़ देते हैं, गरम चढ़ाऊंगा एंड दैट्स इट। मैं काटूंगा प्याज और हरी मिर्च, ऊपर डालूंगा ऑयल पे नहीं जाएगा। चिकन है, चिकन के साथ मटन की किडनी है एंड इसमें है लीवर। थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेता हूँ इस, यू गेट रेडी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल रेसिपी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या खाना है। देखो अनियन भी मैंने इसमें मैरिनेटेड चीज में ऊपर से डाल दिया, सो दैट कुछ फ्राई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बॉईल करो एंड कुक टू बट लो फ्लेम में इसको पकाना पड़ता है। सो दैट इसके जो जूसेज हैं अब तो हो जाए पीसेज में और सब्जी हूँ। और चावल के साथ बहुत बेस्ट रेसिपी होती है, कुछ नहीं डाला मैंने अभी, नमक हल्दी डालता रहते भाई। मैंने कर दिया गर्म, ऊपर से देखो कैसा फूला फूला हो गया मस्त ग्रिल्ड वाला। तब तक ये नहीं हुआ फूट हो गया मस्त। तो दगड़ी देखो ये दाड़ेनी मसाला, मटन मसाला इसमें, चीनी वाली पेस्ट और उबलने लगा मस्त। अब लग हमको ये एक कुकर भी कम लग रहा था फुल, उसमें और ठूक दिया मामू ने। तो जो वेजीज बची हुई थी ना कुकर में नहीं आ रही थी, लग रहा था थोड़ा सा पैकेट डाल के थोड़ा सा पैकेटरी मसाला थोड़ा सा ठंडे पानी से नहाने के बाद जब गर्मी मिलती है ना क्या बताऊँ। इतने ठंडे में विदाउट टी शर्ट घूम सकता हूँ क्योंकि इस ठंडे से इतना सारे ठंडे से ज़्यादा ठंड पानी में तो ये गर्मी लग रहा है। देखो उबाल उबाल के पूरा क्या हाल कर दिया मैंने, बट यार लॉन्ग टर्म तक पकाना पड़ता है यार, जो जूसेज होते हैं ना निकल दिए जाते हैं। देखो देखो ये सबसे फेवरेट डिश है मेरी, ये है मेरी बेक्ड वेजीज, श्रिंक हो गई है बट पहुँचे से पकी है। चलो खाते हैं। तो गाइस देखो कैसा दिख रहा है बताओ, लग रही ना एक नंबर डिश। मामून की फेवरेट है और मेरी तो है ही। चलो हाँ मिलते हैं गाइस गरम गोलगप्पे, ठंड से बचने के लिए भैया गरम करते हैं गोलगप्पे का पानी। चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मैं अगले ब्लॉग की करता हूँ शूटिंग। बाय बाय।